नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को दोपहर में शिलान्यास कर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस उपलक्ष्य में जोधपुर शहर में भी भाजपा और विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से खुशियां मनाई गई। शहर के सभी चौराहों को भगवा पताकाओं से सजाया गया और साथ ही कई स्थानों पर आतिशबाजी की गई। आमजन के तिलक लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया गया। अयोध्या में बुधवार को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लोग अपने अपने ढंग से आस्था को जता रहे हैं। बीकानेर में खंजासी मार्केट व्यवसायी संस्था की ओर से मार्केट परिसर में भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। संस्था सचिव मोहनलाल मवानी ने कहा कि आज शुभ अवसर आया है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। इस मौके पर रमेश मुंदड़ा, मांगीलाल कोठारी, कैलाश मवानी, मयंक खंजाची, अंकुर खंजाची, जितेंद्र जोशी, मनीष कामरा, ललित सेवक सहित व्यापारी मौजूद रहे। जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले में पुलिस ने नकली नोट पकड़े। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि चौहाटन पुलिस ने पराड़िया गांव निवासी अकबर खान के घर की तलाशी के दौरान 6.46 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। पूछताछ में उसने बताया कि सीमा पार से करीब 8 लाख रुपए के नकली नोटों की एक खेप उसके पास आई थी, जिसमें से वह 96,000 रुपए बाजार में जला चुका था। बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि इस बीमारी से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जागरूकता अभियान से आम जन में काफी अवेयरनेस आई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जागरूकता अभियान की शुरुआत शुक्रवार से होगी। अभियान के पहले दिन जिला मुख्यालय पर होटल रेस्टोरेंट व्यवसायियों की जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। जोधपुर शहर के महामंदिर थाना अंतर्गत राजीव नगर सी सेक्टर में रहने वाले ड्राई फ्रूट कारोबारी के घर से 50 लाख से अधिक कीमत की ज्वेलरी व नकदी चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके हिस्ट्री शीटर साथी की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम गुजरात भेजी गई है। महामंदिर थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि साथिन निवासी श्यामलाल जाट को गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने हल्के फुल्के लक्षण होने पर भी आम लोगों से कोरोना वायरस जांच करवाने की अपील की है। मेहता ने बुधवार को कलेक्टर सभागार में कोविड-19 समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का अब तक कोई पुख्ता इलाज नहीं खोजा जा चुका और इसके मद्देनजर सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि यदि किसी में खांसी, जुखाम और बुखार का हल्का सा लक्षण भी पाया जाता है तो वे अपनी जांच करवाएं, जिससे समय रहते बीमारी का पता चल सके और इलाज करवाया जा सके। राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान एहतियात के तौर पर जोधपुर शहर के प्रमुख चौराहों व संवेदनशील इलाकों में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया। इस अवसर पर पुलिस पूरे दिन भर मुस्तैद रही और वहीं भूमि पूजन की खुशी मनाने वाले उत्साही युवकों पर पुलिस ने चालानी डंडा भी पड़ा। पावटा चौराहे पर कुछ युवक भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आतिशबाजी कर रहे थे। उनमें से कई युवकों ने मास्क नहीं पहना हुआ था और ना ही वे कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे थे। इस पर पुलिस ने उनके चालान काट डाले। बीकानेर जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को आई रिपोर्ट में 30 नए मामले सामने आए। जोधपुर के कजली तीज पर एक दिन के लिए कर्फ्यू में रात को 2 घंटे की छूट देने की मांग की गई। इस मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष इंदिरा राज पुरोहित ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में रात्रि 8 बजे से प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के अंतर्गत उपवास खोलने के बाद सुहागनों को रात्रि में अपने ससुराल जाने की जो परंपरा है उसके निर्वहन में कठिनाई आ सकती है, इसलिए 6 अगस्त को रात्रिकालीन कर्फ्यू करीब 2 घंटे की छूट दी जाए। जोधपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला कमेटी के बैनर तले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय पर छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही उपनिदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष एचआर भाटी ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है तो पूरे प्रदेश के विद्यार्थी लामबंद होकर उग्र आंदोलन करेंगे।
कोविड 19 के चलते पिछले करीब 4 माह से अधिक समय से बंद पड़े जिम और योगा सेंटर्स वापस खुल गए हैं। शहर में मोहनी योग संस्थान को भी सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आम जन के लिए पुनः आरंभ किया गया है। योग गुरु मुक्ता माथुर ने बताया कि योग कक्षा में पूर्ण रूप से आवश्यक निर्धारित दूरी बनाकर रखी जा रही है और एक कक्षा में सिर्फ 8 से 9 लोग ही योग कर सकेंगे। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे कोरोना योद्धा सम्मान योजना के तहत रायकाबाग मंडल के डिगाड़ी सैटेलाइट हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का अभिनंदन किया गया। भाजपा की तरफ से डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के साथ पूरे स्टाफ को माला पहनाकर और साफा बांधकर आभार प्रकट किया गया। ब्लॉक लूणी CBO गायत्री भारद्वाज एवं ACBO जेठाराम द्वारा UPS बासनी सिलावटा स्कूल का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों एवं रूम टू रीड के कार्य की सराहना की। CBO ने पुस्तकालय किताबें तरंग बुक एवं कक्षा 1 एवं 2 का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन सामग्री के उपयोग का जायजा लिया। यूनिक सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस मुहिम के तहत द लाइफ सेवर फाउंडेशन द्वारा संगठन के हनुमान सारन के जन्मदिन पर महात्मा गांधी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोषाध्यक्ष अशोक रायजादा ने बताया कि इस दौरान संगठन के पंकज जांगिड़, अशोक गीला, श्रवण डारा, ओम प्रकाश खिलेरी सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पुलिस विभाग के मुखिया DGP भूपेंद्र सिंह ने 41 RPS अफसरों के तबादले किए हैं। नई तबादला सूची में ओम प्रकाश गौतम को जोधपुर PTS में ASP लगाया गया है। इसी तरह रणवीर सिंह को पाली और मिलन कुमार जोहिड़ा को सिरोही में लगाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।